हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन, तीनों के ही संघर्ष बहुत बड़ा था, पद वृद्धि को लेकर, जो भी विसंगतियां थी उन्हें लेकर, और लगातार अपनी मांग DPI के सामने, हमारे शिक्षा मंत्री जी के सामने और हमारे आदरणीय मामा जी के सामने पहुँचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और जो भी परिणाम है उनकी अपडेट मैं ही नहीं, सभी आपके सामने लाते रहे। आगे की नई भर्तियां आ रही हैं दोस्तों। बात करें वर्ग एक, तो एग्ज़ाम आपके अगस्त में शुरू होने वाले हैं। वर्ग एक के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सर, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। यदि बढ़ी भी तो कुछ दिनों के लिए बढ़ सकती है, और मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पूरा शेड्यूल जो है वो पैक्ड है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं वो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ना तो ये एग्ज़ाम सरल होना है और ना आपका संघर्ष सरल। बात करें वहीं वर्ग दो की, तो आपकी भी विज्ञप्ति इसी माह में जारी होने वाली है और बहुत कम समय मिलेगा, तो जितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें जरूर करें। अब यहाँ पर बात उठती है वर्ग एक और वर्ग दो की, क्योंकि बहुत से भाई बहन अक्सर कमेंट करते हैं कि सर ये बताएं क्या वर्ग दो के थर्ड काउंसलिंग होगी भी कि नहीं होगी दोस्तों। और मैं बार बार उन्हें यही रिप्लाई देता हूँ कि संभावना प्रबल है, और ये रिप्लाई मैं तब देता हूँ जब जो हमारी जमीनी स्तर की टीम है जो लगातार संघर्ष कर रही है, उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो वो कहते हैं कि सर, जो अभी नई भर्ती आ रही है उसमें समय लगेगा, क्योंकि जो रिजल्ट जारी होगा उसके बाद की प्रोसेस होगी, क्योंकि 2018 में जो भर्तियां हुई थी वो 2023 तक आ रही हैं, आप स्वयं देख सकते हैं, तो इस हिसाब से उसमें समय लगेगा। तो जो क्वालिफाइड हैं वहाँ पर उनकी थर्ड काउंसलिंग के चांस बन जाते हैं दोस्तों। अब ये कब होगी, तो इस पर एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह है दोस्तों, वास्तव में है, क्योंकि विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट अपडेट इस पर मिलती ही नहीं है। वर्ग तीन की पद वृद्धि को लेकर लगातार संघर्ष जारी है, और ये संघर्ष मध्य प्रदेश का वो संघर्ष था जो जिसकी गूंज मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में गूंजी थी, सब तरफ से ये हाईलाइट हुआ। बस भाई बहन कमेंट करते हैं कि सर जो है गवर्नमेंट चेंज करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, वो आपके हाथ की बात है, क्योंकि वोटिंग हमारा अधिकार है, आप जिसको भी देना चाहें बिल्कुल दे सकते, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो काम उसी हिसाब से करती है। मैं जहाँ तक देखा है जब से मैंने चैनल शुरू किया है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज भी हुई, जैसे कि एक उदाहरण मैं वर्ग दो का ही दूँ हिंदी सब्जेक्ट का, और आदरणीय जो मामा जी हैं हिंदी को लेकर बहुत गंभीर हैं, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हुई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू कर दी गई, जिससे कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और जब ये पद निकाले गए आपके वर्ग एक और वर्ग दो की, जब दूसरी सरकार थी, भर्ती जो वर्तमान सरकार है उनके सानिध्य में हो रही है, यानी कि दो सरकार आई नहीं, लेकिन जो हिंदी जैसा विषय है उसके पद नहीं बढ़ा पाए। और पद बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा पद हो, पद बढ़ाने का मतलब ये है कि मैथ या इंग्लिश की बात करें तो उतने ही पद साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत के आने चाहिए। सीधा सा एक मांग, ना कि वो मांग कि इतने पद होने ही चाहिए, नहीं, जो पद वितरण है वो सभी का समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। तो आप स्वयं देखें दोस्तों कि आप जब कहते हो कि पुरानी गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट, तो हम तो यह देखते हैं जो उदाहरण प्रत्यक्ष है कि जो काम होता है वो वैसे ही होता है। जब चुनाव आते हैं तो उस समय ज़रूर आप अपनी मांगें पूरी करवा सकते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देती है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देती, लेकिन चुनाव के समय चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, स्टूडेंट की बातों पर ज़्यादा ही सीरियस होते हैं, ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, तो उसी का लाभ उठाना। गवर्नमेंट चेंज होगी फिर आपका कुछ होगा, उस लिए आप बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि फिर 5 साल के लिए जो भी गवर्नमेंट है वो स्थाई है, वो 4 साल पूरी स्ट्रेटेजी आंकड़े ये सब लेकर फिर वो बनाते हैं कि हमें 5वें साल कितनी भर्तियां निकालनी हैं। हालांकि इस बार कहा यह जा रहा है कि जो शिक्षक भर्ती है वो हर साल आएगी, अब जब आएगी तब हम मानेंगे,
क्योंकि अभी तो उदाहरण ये है कि 2011 में एग्ज़ाम, 2013 में आपकी भर्ती हुई, फिर 2018 में एग्ज़ाम, 2023 तक भर्ती चल रही है। वर्ग तीन की बात करें 2011 के बाद 2020 में काफ़ी गैप था, इसलिए वो लगातार 51,000 पद की मांग जो है वो उस बेस पर है, राजपत्र के बेस पर है, जो आंकड़े डले हैं एजुकेशन पोर्टल उसके बेस पर है। और फिर यदि ये कहा जाए कि वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन के खाली पद ही नहीं हैं, तो फिर आप अतिथि शिक्षक किस बेस पर रखते हैं जबकि पद ही नहीं है? जब पद हैं वहाँ पर रेगुलर टीचर नहीं है तो वहाँ पर गेस्ट टीचर की व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे तो मैं ही वीडियो लाया हूँ जहाँ पर एक शिक्षकीय शाला है या जहाँ पर टीचर ही नहीं है। कल एक वीडियो ऐसा भी मैं लेकर आया था जहाँ पर स्वयं गांव वाले धरने पर बैठे हैं कि हमारे यहाँ पर स्कूल खोला जाए क्योंकि वहाँ पर स्कूल ही नहीं है। तो ये भी सामने देखने को आता है। इसके साथ साथ जब नई भर्तियाँ निकलती हैं तो आपको वैकेंसी चाहिए ही चाहिए, उनके लिए भी नई भर्तियाँ जो आती हैं उनकी भी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप पद वृद्धि को इतना समर्थन करते हैं वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन के लिए, यदि पद वृद्धि हो जाती है तो फिर नए लोग जो हैं उन्हें क्या मिलेगा? इतने पद खाली हैं, लाखों में पद खाली हैं, हम तो कुछ हज़ारों की मांग कर रहे हैं। वर्ग तीन का ही उदाहरण लेते हैं, कुछ हज़ारों में ही मांग रहे हैं, 51,000 ही मांग रहे हैं, कहाँ 1,00,000 मांग रहे हैं। वर्ग एक दो की बात करें तो विसंगतियाँ दूर करते हुए जो पद स्वीकृत किए गए यदि उन्हें ही सही से वितरण किया जाए तो काफ़ी लोगों के नाम आ जाएंगे, और यदि पद बढ़ा दिए जाए, सभी के समान कर दिए जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि आप जो भी मांग करें वर्तमान परिवेश में करें दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट है, क्योंकि मांग तो आपको तब भी करनी पड़ेगी, अब भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, फॉर्म फिल हो गए थे, उसके बाद जो एग्ज़ाम कराए गए थे वो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कराए, तो एग्ज़ाम के लिए भी जो है ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन किया गया, तब जाकर वर्ग एक वर्ग दो के एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस बने दोस्तों। तो ये है, तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि जितना संघर्ष और जितनी मांग आपकी अभी सुनी जाएगी, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव के बाद उतना शायद आपको सफलता ना मिले, तो वर्ग एक और वर्ग दो, वर्ग तीन अपनी मांग जिस तरह से भी हो, सोशल मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा आप रखें, तर्क के साथ रखें। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी चैनल्स हैं, जो अच्छे चैनल्स हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, वो हमेशा आपके साथ रहें और हमेशा आपके साथ रहें, क्योंकि आपकी जीत में ही हमारी इस चैनल की जीत है। मेरा अतुल कुमार शर्मा ये चैनल ना तो आपको कोई कूपन कोड बेचता है, ना आपको कोई कोर्स बेचता है, और ना ही मेरी ऐसी कोई कोचिंग क्लास है जहाँ पर मैं फीस लेकर आपको जो है एजुकेटेड करता हूँ। कोचिंग क्लास मेरी है लेकिन फ्री है सभी के लिए, जो भी आए अपनी मेहनत लगाए और मुझसे पढ़ना चाहते हैं।